तो आज के हम इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि बीएससी कोर्स क्या है और बीएससी कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ बीएससी, और कौन कौन से इसमें अनर्स होते हैं और कौन से सब्जेक्ट लेना होता है अनर्स में, और नॉर्मल बीएससी क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इजी तरीका से आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे ताकि आपको बीएससी कोर्स क्या है इसके बारे में समझ में आ जाए। सबसे पहले तो बीएससी कोर्स करने से पहले आपको 12 क्लास पास करना होगा, जिसमें आपको 45 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लाना होगा 12 क्लास में। मान लीजिए आप बीएससी करना चाहते हैं और 12 क्लास क्रॉस कर गए, आपका 45 से बहुत ज़्यादा नंबर है, तो आप बीएससी कर सकते हैं। लेकिन बीएससी के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए, क्योंकि आप लोग का पहली बार है तभी आप वीडियो के देखने आए हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, सारा जानकारी आप लोग को हो जाएगा कि क्या होता है बीएससी कोर्स। ओके, तो सबसे पहले आइए बीएससी कोर्स का फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। यदि आप बीएससी कोर्स कर रहे हैं तो कोई भी पूछ सकता है कि बीएससी का फुल फॉर्म क्या है। तो बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस होता है। अब अगले टॉपिक पर आते हैं कि टाइप्स ऑफ बीएससी। टाइप्स ऑफ बीएससी इसको जानना बहुत जरूरी है। तो टाइप्स ऑफ बीएससी में देखो, बीएससी दो प्रकार, यानी एक नॉर्मल बीएससी होता है और एक बीएससी अनर्स होता है। टाइप्स ऑफ बीएससी दो प्रकार से होंगे, एक तो आपको नॉर्मल बीएससी और एक बीएससी अनर्स। इसको करने में, ठीक है, बीएससी करने में आपको 3 इयर्स टाइम देना होगा। कितने इयर्स? 3 इयर्स आपको टाइम देना होगा। ये जो कोर्स होता है बीएससी नॉर्मल बीएससी या बीएससी अनर्स, ये 3 साल का कोर्स होता है, ठीक है। ये भी बात आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो बीएससी अनर्स है और नॉर्मल बीएससी है, इन दोनों में डिफरेंट यानी फर्क क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी अनर्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बीएससी अनर्स। देखिए, जब बीएससी अनर्स करते हैं तो मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री में ओनली 1 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है, और ये बहुत कम बच्चे करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे करते हैं नॉर्मल बीएससी करते हैं। नॉर्मल बीएससी क्या है? देखिए, नॉर्मल बीएससी दो प्रकार से कर सकते हैं। नॉर्मल बीएससी एक तो मैथ से कर सकते हैं, एक बायोलॉजी से कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैथ से वही बच्चे कर सकते हैं जिनका क्लास 12 में मैथ होगा, तो वो नॉर्मल बीएससी मैथ से करेंगे तो उनको 12 क्लास में मैथ पढ़ना होगा, मैथ से एग्जाम दिए होंगे, मैथ से 12 किए होंगे। और बायोलॉजी में क्या होगा? बायोलॉजी से वही लोग करेंगे जो 12 क्लास में बायो लिए होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आप नॉर्मल बीएससी करना चाहते हैं मैथ से, तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। यदि बायो से करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, ये 3-3 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। अब इन 3 सब्जेक्ट के बारे में समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल बीएससी कर रहे हैं आप, तो फर्स्ट और सेकेंड में आपको नॉर्मल बीएससी यदि करते हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। लेकिन जैसे थर्ड ईयर में जाएंगे ना, तो सिर्फ आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, 2 ही सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये होता है नॉर्मल बीएससी। इसमें आपको फर्क भी बताते हैं। देखिए, नॉर्मल बीएससी करने वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं और बीएससी अनर्स जो होता है इसमें बहुत बच्चे कम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप नॉर्मल बीएससी कर रहे हैं, तो नॉर्मल बीएससी आप मैथ से कर रहे हैं, तो मैथ से कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान दीजिएगा कि 12 मैथ ही होना चाहिए। यदि आपका बायो है तो आप नॉर्मल मैथ से बीएससी नहीं कर पाएंगे, यदि बायो होगा तो आप बायो से ही करेंगे, ठीक है, ये बात होती है। और इसके साथ बीएससी के साथ अलग जो प्रोफेशनल कोर्स होता है, बीएससी प्रोफेशनल कोर्स है जो कर सकते हैं आप, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मल्टीमीडिया, कंप्यूटर साइंस, ये सब प्रोफेशनल कोर्स है। यदि इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसके बारे में भी एक एक करके वीडियो बना देंगे, जो भी आपको जानकारी चाहिए, ठीक है। तो ये सभी कोर्स प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स है, ठीक है। तो बीएससी दो प्रकार से, एक तो बीएससी अनर्स और एक नॉर्मल बीएससी, जो कि आपको दोनों के बारे में अच्छे से समझा दिए। नॉर्मल बीएससी में क्या होता है, बीएससी अनर्स में क्या होता है कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री लिया है तो सिर्फ आपको मैथ ही पढ़ना होता है, फिजिक्स लिया तो फिजिक्स ही पढ़ना होगा, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री पढ़ना होगा, यदि आप बायोलॉजी लिए तो बायो ही लेना होगा, बायो ही सिर्फ पढ़ना होगा, ये होता है। इसमें बहुत बच्चे कम होते हैं। बाकी जानकारी चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है।
तो चलिए आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि कोई भी आपको प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।